हरियाणा विधान के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के राजनीति में कदम रखने और हुडागुट के साथ करीबी संबंध ने सभी का ध्यान खींचा था अब बजरंग पूनिया ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के, के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालते हुए राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है इस समारोह में कुमारी सैलजा की उपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुडा और सैलजागुट लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं बजरंग पुणिया और विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री तब शुरू हुई जब उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता खासकर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा पहलवानों के समर्थन में खुलकर सामने आए तब से बजरंग और विनेश की हुडा गुट के साथ करीबी बढ़ती चली गई चुनाव से पहले चर्चा थी कि विनेश पोगा जुलाना से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है और हुडा गुट ने इसमें अहम भूमिका निभाई विनेश ने चुनाव लड़ा और जीता जबकि बजरंग को कांग्रेस संगठन में जगह दी गई हालांकि यह नई सियासी पहलकदमी अब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को और तेज कर रही है हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुडा और कुमारी सैलजा के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है टिकट बंटवारी से लेकर प्रचार तक दोनों गुटों के बीच दरार साफ नजर आई हुडागुट ने अधिकतर सीटों पर अपने समर्थकों को टिकट दिल पाया जबकि सैलजा समर्थकों को केवल सीमित मौके मिले अब बजरंग पूनिया के किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के कार्यक्रम में सैलजा की मौजूदगी ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है समारोह में दीपेंद्र हुडा की गैर मौजूदगी ने कांग्रेस के भीतर चल रहे अंदरूनी मतभेदों को और हवा दी है हालांकि बजरंग पूनिया ने यह साफ किया है कि वह भूपेंद्र हुडा को अपना वरिष्ठ नेता मानते हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में काम करेंगे लेकिन सैलजा के साथ बजरंग की नजदीकियों ने कांग्रेस के अंदर नई चर्चाओं को जन्म दिया है इससे साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस की सियासत आने वाले समय में और दिलचस्प होने वाली है